लोगों ने किया हम सबको परेशान। डिंग डिंग। वो अपनी लंबी यात्रा पर इस उम्मीद से निकला कि धरती गोल है। हाँ तो केनिची बताओ उस आदमी का नाम क्या है? उसका नाम कौआ है। क्या कहा? वो कौआ है। एक कौआ धरती पर अमेरिका की खोज क्यों करेगा? सॉरी सर, वो मैंने गलती से बोल दिया। अरे ये क्या कौओं का झुंड? यही बिल्कुल सही समय है अपनी कोगा निंजा टेक्निक का उन्हें आजमाने का। अब क्या होगा? वो रहे कव्वे, तुम समझ गए ना क्यों? इसमें रखा डालो चारा, फिर देखो बजेंगे सबके बारा। मैं समझ गया बॉस। वो कौन आ रहा है? कौन हो भाई? देखते तो बिल्कुल हमारे जैसे हो। हाँ, मैं तुम्हारे गांव वाला हूँ दोस्त। बॉस जरा नीचे आना तो। क्या बात है, कौन हो तुम? दिखते तो बिल्कुल कौवे जैसे हो। हाँ, मेरा नाम किया है, मैं झुंड से अलग हो चुका हूँ। मैं तुम सब लोगों के लिए तोहफा लाया हूँ। तोहफा तोहफा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मजा आ गया, ये तो दावत का खाना है। सारे सिपाहियों नीचे आ जाओ। खाओ कहो खाओ, आज ऐसा खाना खिलाया है कि नानी क्या नाना भी याद आ जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। अरे ये बॉस बॉस, काम हो गया बॉस। शाबाश मेरे जमुड़े, क्या काम किया है? काओ काओ। अब मैं और नहीं खा सकता। आप इंजन का वाह हो दोस्तों, देखो कौन आया है। ये हमारे बड़े बॉस है। तो मेरे सारे कौवे दोस्तों, मेरी बात ध्यान से चोंच लगाकर सुनो और वही करो जैसा मैं कहता हूँ। काओ काओ। क्या बात है मेरे जमुरो, लगता है ये सब समझ गए हैं कठपुतली बनाने की निंजा टेक्निक। बचाओ हथौड़ी, मुझे बचाओ। अरे केनिची, तुम इतने डरे हुए क्यों? ये क्या? मुझे तो डर लगा है। ओए हथौड़ी, तुम्हें हैरानी हो रही होगी ना, आज मैं तुम्हें खुद एक चैलेंज दे रहा हूँ। आक्रमण। तुम्हारा झगड़ा सिर्फ हमारी फैमिली से है ना? पर जो लोग आसपास के घरों में रहते हैं, तुम उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ सही कहा, तो ठीक है पुरानी टेकड़ी के पीछे आ जाओ, मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं वही मिलता हूँ। हेलो। ये हमारा ने इतनी फौज कहाँ से जमा कर ली? डिंग डिंग डिंग। अच्छा हुआ जो तुम आ गए हथौड़ी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो हमला करो। डिंग। तुम क्या दावत में आए हो? जाओ काम करो। ओके बॉस। डिंग। काली मिर्च का पाउडर छिड़कने की निंजा टेक्निक। डिंग। क्या हुआ? निंजा टेक्निक का बज गया बाजा। अरे वाह, पकड़ो। भाग नहीं ना पाए वो। उड़कर आ रहे हैं। थोड़ी वो सब हमारे पीछे। ईगा निंजा, कहाँ छुपे हो तुम? इतनी जल्दी भाग गए? कहाँ निकलो? मैं कहता हूँ भाग निकलो। ईगा निंजा, सिर्फ
सुनो सब, ये एक पवित्र जगह है और यहाँ पर मैं रहता हूँ। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अच्छा मैं समझ गया, निकल लो यहाँ से। अरे मत जाओ, अरे मत जाओ, मत जाओ, रुको, मैं हूँ ना। अरे रुको, अरे चलो जरा अपने गुरु को भी तो झेलो। बहुत अच्छे हथौड़ी लगे ना। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा बच्चे। अब तो कौवे भी गैंग बनाकर किसी पर हमला कर सकते हैं, पर अब तो सब ठीक है। सर का हाल हो गया बेहाल। डिंग डिंग। बच्चों ये है नई मैडम, इनका नाम है आइको, ये आज ही हमारा स्कूल ज्वाइन कर रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मिस आइको तो बिल्कुल परी की तरह सुंदर है। साइको बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह नाजुक और सुंदर है। मेरे मन में उनके लिए कुछ ही होता है। मुझे उनसे दोस्ती करनी है। मिस आइको बन जाओ मेरी बाइको। तो अब मैं बताता हूँ कि एक ट्रायंगल कैसे बनता है। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मिस आइको प्लस मैं इज इक्वल टू मेरा प्यारा घर। सर ये आपने कैसा ट्रायंगल बनाया है? क्या ट्रायंगल? कुछ भी नहीं है सर, तो गए काम से। ये क्या कर रहे हो केनिची, ऐसे नहीं करते। कोई बात नहीं, ध्यान से देखो कैसे करते हैं, मैं दिखाता हूँ। देखो आइको मैं पता नहीं आइको मैम को देख के सर को क्या हो जाता है। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, सर को जरूर कुछ होने लगा है। अच्छा यूमिको दोस्तों यहाँ। क्या हम उनको मिलवाएंगे? वहाँ बड़ा मजा आएगा। हेलो मिस आइको। क्या हुआ हमारा? वो क्या है ना कि हमारे क्लास टीचर मिस्टर काइको को म्यूजिक बहुत पसंद है, और आपको भी म्यूजिक बहुत पसंद है ना। क्या कहा? काइको सर को सच में म्यूजिक पसंद है। हाँ हाँ, लेकिन वो आपसे खुद ये नहीं पूछ पाए। जब आपसे उनकी मुलाकात हो जाए तो आप उन्हें जरूर बता देना। हाँ मैं जरूर बता दूंगी। अगर ऐसा है तो काइको सर इस समय स्कूल के गार्डन में मिलेंगे, आप जाकर उनसे मिल लीजिए ना। अब मैं चलता हूँ। मैं क्या करूँ, हमेशा की तरह मुझे इस बार भी इरादा छोड़ना पड़ेगा। काइको सर आप क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं? आइको मैडम आप यहाँ। काइको सर आप यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हैं? ओ काइको सर आप जानते हैं, आपकी ही तरह मैं भी बहुत चाहती हूँ। क्या आप चाहती हैं? मुझे यकीन नहीं होता। जब मैंने इस बारे में सुना तो मैं दौड़ी चली आई। दौड़ी चली आई? कहीं ये सपना तो नहीं है ना, मेरी तो निकल पड़ी। आप भी बहुत पसंद करते हैं ना? बहुत 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 ज्यादा। क्या बात है, मुझे ना लोरी बहुत पसंद है। क्या मतलब? वो लोरी जो बच्चों को सुनाने के लिए गाते हैं? मैं भी हमारे बच्चों को वो लोरी सुनाकर सुला दिया करूँगा। चलो दोस्तों अब हमें अगला काम करना है। आइको मैडम अभी वो बिल्कुल अकेली है, मैं जाकर उससे अपने मन की बात कह देता हूँ। मुझसे शादी कर दिया। क्योंकि हम जानते थे कि मिस आइको म्यूजिक को बहुत पसंद करती है, इसलिए हमने जानबूझकर उन्हें सर के पास भेजा, और फिर बाद में केनिची सर मिस आइको को सच में पसंद करते हैं। तुम्हें उनकी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही तुम ये भूल रहे हो कि जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें कल अपने सर से डांट जरूर पड़ने वाली है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था केनिची। सच में? हथौड़ी किसी तरह मुझे डांट खाने से बचा लो। डिंग डिंग, इससे ज्यादा तो मुझे सर की परवाह हो रही है। तुम लोगों को उनके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत बात है। वो रही मिस आइको। क्या कहते हो हथौड़ी? आइको मैडम सच में बहुत सुंदर है, उन्हें देखकर सर तो क्या कोई भी उन्हें पसंद करने लगेगा। ये सच में बहुत प्यारी हैं। वो
एक गलतफहमी थी, मुझे उस समय अपने होश में रहना चाहिए था। आइको मैडम, आप? आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शाबाश हथौड़ी, आज बात बना देना। अरे मुझे याद आया, मैंने सुना था आज साइंस लैब में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वो नहीं, 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 वो तो बच्चों ने मेरे साथ शरारत की थी। मेरे क्लास के बच्चे थोड़े ज्यादा शरारती हैं ना। आप बहुत अच्छे हैं, शरारती बच्चों को भी कितनी जल्दी माफ कर देते हैं। मैं तो ऐसा ही हूँ बस। आपके जैसे बड़े दिल वाले और मेहनती टीचर से मिलकर क्या कहूँ, मेरी जिंदगी तो जैसे सफल ही हो गई। क्या आपने मुझे मेहनती टीचर कहा? हाँ। अच्छा आप मिस आइको, चलिए अब कल स्कूल में मिलेंगे। अब मैं चलता हूँ। मेहनती टीचर, अब मुझे वही बनकर दिखाना पड़ेगा। बाय बाय चाचा। शुक्रिया हथौड़ी, तुमने मुझे कल की डांट से आसानी से बचा लिया। हाँ केनिची, काश मेरी इस कोशिश से उनकी उदासी भी खत्म हो जाए। अच्छा तो बच्चों, तुम सब ये ट्रायंगल वाला सवाल अच्छी तरह से समझ गए हो ना? जिसे बिल्कुल समझ में नहीं आया वो अभी मुझसे पूछ सकता है। पूछो। नहीं पूछना चाहती। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। आइको मैडम, मैं पूरी मेहनत से अपना काम कर रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं होगी? अरे काइको सर, ये किस बारे में बात कर रहे थे? उदास इंसान उदासी ही बांटता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए ऐसे इंसान की उदासी किसी तरह खुशी में बदल सके। डिंग डिंग। रेस कबूतरों की। डिंग डिंग। तो बच्चों, ये तय हो गया है कि हमारे स्कूल की तरफ से इस बार बॉयज पिजन रेस में केनिची और अमारा हिस्सा लेंगे और रेस जीत कराएंगे। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सर। ये कबूतरों की रेस होती है जिसमें उन्हें बहुत दूर छोड़ा जाता है, फिर भी वो अपने पिंजरे में वापस आ जाते हैं। जो कबूतर पहले आता है वही विजेता कहलाता है। ओ बेचारा मेरा कबूतर। हीका गिरी, हमारी नाक मत कटवा देना, दम लगा कर उड़ना। मेरी बात सुन कबूतर, तुझे किसी भी हाल में केनिची की कबूतर से हारना नहीं है, इसलिए खिला पिला कर मैं तेरी सेहत बना रहा हूँ। वाह क्या बात है। ऑल द बेस्ट हीका गिरी, शान से उड़ो। मैं जाऊंगा हथौड़ी, अगर हम सब साथ में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हथौड़ी डिनिंग, ये पिजन टाइमर है, सारे पार्टिसिपेंट्स ने टाइमर्स मैच कर लिए हैं और जब कबूतर वापस आएंगे तो हमें उनके पंजे में बंधी कार्ड को इस टाइमर पर डालना होगा ताकि हमें पता चल सके कि कबूतर को वापस आने में कितना समय लगा, फिर उसी के हिसाब से विनर और रैंकिंग का फैसला किया जाएगा। अच्छा केनिची, तो अब मैं समझ गया कि ये रेस किस तरह से होती है। देखो हथौड़ी, हमारा तो जा चुका है, मैं भी जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारा आज ऐसी कोई गड़बड़ ना करे जो उसे नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे तो खा जाऊंगा। डिनिंग, मुझे मालूम था ये ऐसा ही करेगा। तुम्हारी मजाक होता हूँ। जल्दी उठ, जल्दी उठ, जा जा जा। खिलाड़ियों में हमारा, तुम इतनी बेकार की टेक्निक इस्तेमाल करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी चालाकियां बंद कर दो। ओए लेक्चर बाद में झाड़ो, पहले नीचे तो उतारो। तुमने जो किया ये उसी का फल है, अब लटके रहो, शिंदो चलते हैं। अरे लेकिन तुम लटकोगे तब देख लूंगा। दीदी अब वो सीधे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। अरे ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ नहीं, बारिश की वजह से कबूतर यहीं कहीं छिप गए हैं। डिंगे मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। कैसी लगी मेरी टेक्निक? ठीक क्या? चलो कामागिरी, अब तुम आजाद हो, अब तुम्हें फर्स्ट प्राइज जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उड़ जा। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।
वो रहा कबूतर। अरे सिर्फ एक कबूतर? ये तो जरूर अमारा का कबूतर है। वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, हमें एक बार फिर से उसे सबक सिखाना पड़ेगा। समझ गया। ये 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 ये। अरे लगता है कोई आ रहा है। डिंग डिंग, शिशिमानो पहले तुम जाओ, ठीक है? ओके हथौड़ी, जहाँ से निकल लेगी निंजा टेक्निक। कबड्डी 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 कबड्डी, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी, मैं एक निंजा डॉगी हूँ, मेरा नाम शिशिमानो है। कबड्डी 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 कबड्डी। डिंगडिंग, हमें कुछ तो करना होगा। शिशिमानो, शिंजो, उन पर एक साथ निंजा टेक्निक इस्तेमाल करो। अपना काम बन गया। डिंगडिंग, अब मैं जाल काटता हूँ। डिंगडिंग 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 डिंगडिंग, एक कबूतर यहाँ आया है। ये तो कमा गिर गया, हमारा का कबूतर, बहुत बढ़िया। अरे वाह, ये तो केरीची का कबूतर है। हीका गिरी, तुम ही जीतोगे, बस थोड़ा और जल्दी उड़कर आ जाओ। अरे लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए, मेरा कबूतर यहाँ सबसे पहले पहुँचा है। लेकिन बेटा, जजेस का फैसला तो पिजन टाइमर पर हुई आखिरी रिकॉर्डिंग के हिसाब से होगा। तुम्हारा कबूतर हार गया है, आई एम सॉरी। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? सबको रूल्स हमेशा मानने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कोगा निंजा हमेशा उन रूल्स को तोड़ने में लगे रहते हैं। सही कहा, डिंग डिंग।